life and a better man. That she believes. Maybe audience ko wo behtar lagta ho, lekin that woman at that time is believing that he is a better man who is offering me a better life, and she's going for it. And this happens in life also. We have seen women. But then why doesn't she end the relationship with the husband first and then moves towards... ये बिल्कुल वो सवाल है जो मेरी जो मेरी अम्मी मुझसे पूछती हैं कि अब क्या होगा अब ये जाएगी कि नहीं जाएगी यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि the story is moving we are not even halfway through so you will see that in the next two episodes कि what will happen between them so up until now you don't think Mehvish or Shahwar are negative characters or you know if you put it in the typical sense Mehvish is the villain of Mere Paas Tum Ho देखो Mehvish से आप बहुत नफरत कर सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि वो गलत कर रही है लोग हुमायूं को भी क्रिटिसाइज करते हैं दानिश को भी करते हैं कहते हैं कि ये क्यों वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा जैसे हम चाहते हैं उसको रिएक्ट करने का लेकिन खलील साहब जिनका ये स्क्रिप्ट है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं वो कहते हैं कि मेरी कहानियों में कोई विलन नहीं होता मेरी कहानियों में कैरेक्टर्स होते हैं वो गलतियाँ भी करते हैं वो सही भी होते हैं वो गलत भी होते हैं सो इसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है इसमें हर एक का एक एजेंडा है और जिस तरह हम सब का कोई ना कोई एजेंडा होता है ज़िंदगी में इन तीनों का भी है और ये तीनों उसको अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको कोई एक बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि शायद आप उसको उस नज़र से नहीं देखना चाहते शायद आप उसको वो करता नहीं देखना चाहते बट दैट्स ओके द सेकेंड चैलेंज यू नो यूजली ड्रामो में हम देखते हैं एंसेंबल कास्ट different characters, हर character की back story और you know different plot lines. ये drama again मैं कह रहा हूँ अब तक 10th episode तक only three characters sort of main characters and Rumi. Again that would have been an immense challenge to keep the audience engaged and engaged to a level where you know अभी इतना जो craze एक चल पड़ा है मेरे पास तुम्हों का 10 के 10 episodes इतने engaging. वो कैसे आपने overcome किया challenge? I think that's what makes this character this script. अ डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट क्योंकि तीन कैरेक्टर्स के दरमियान में कहानी इवन लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत डिफ़िकल्ट है ये तीन कैरेक्टर्स के दरमियान में इंगेज करना थोड़ा सा हमें सेकेंड थाट्स देता था कि पता नहीं ये लोगों को उतना पसंद आएगा कि नहीं क्या कहीं बोर तो नहीं हो जाएंगे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैक्स देखने की ज़रूरत है इवन हमें भी हम आदत है हमें भी आदत है हम अगर नेटफ्लिक्स देखते हैं तो उसमें कहानी बड़ी ऑनसॉम्बल कहानी होती है जिसमें देर आर मैनी मैनी कैरेक्टर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वन ट्रैक लेकिन इसके अंदर कहानी बहुत सिंपल थी इमोशनल जर्नी वॉज द की जिससे लोगों को पकड़ना था आई थिंक द परफॉर्मेंसेस द वे अदनान आयजा एंड हुमायूं एक्टेड उन्होंने इतना बिलीवेबल कर दिया इस कहानी को कि लोगों को लगा कि ये हो रहा है ये एक्टिंग नहीं हो रही इवन मुझे लगता है जब मैं देखता हूँ उसको टीवी पे कि दिस इज हैपनिंग देर इज़ नो कैमरा देर इज़ नो डायरेक्टर देर इज़ नो राइटर इट्स जस्ट थ्री कैरेक्टर्स इन देयर ओन स्पेस एंड दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैज केप्ट द ऑडियंस ग्लूड टू इट सो फार टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज एंड ऑफ कोर्स योर एक्टर्स हुमायूं सईद आयजा खान अदनान सिद्दीकी तीनों इतने ब्रिलियंट हैं एंड एज यू राइटली सेड वो लगता है कि कैरेक्टर्स ही हैं ये एक्टर्स नहीं है कोई सो योर थॉट प्रोसेस इन कास्टिंग दीज एक्टर्स वो क्या था बिकॉज हुमायूं अपेरेंटली सेड यू वांटेड हिम टू प्ले शावार राइट इनिशियली और शायद आप लोग किसी और थॉट अबाउट क्योंकि शावार का कैरेक्टर हुमायूं के लिए बहुत टेलर मेड है लेकिन आई थिंक हुमायूं नेवर वांटेड टू प्ले शावार and he wanted to play Danish because as an actor it's a very challenging role for Humayun Danish ka jo character hai so isliye wo as an actor chahta tha is character ko karna aur usne itna acha kiya ki usne hum sabko hairan kiya ki that he actually can pull any character off aur I think he लोगों को भी यही लग रहा है मुझे भी यही लगा है कि हुमायूं हैज डन हुमायूं एक्चुअली सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस
with his performance, with the believability, with the kind of body of work that he has. Uske baad ek character ko itna believable banana mushkil kaam hota hai. Even for all these three actors, ye bahut naye log nahi hai. Inke piche bahut sara kaam hai aur bahut sare kirdaar kar chuke hain. Believing Adnan Siddiqui ki wo shahwar hai is a difficult job. Believing Aiza Khan that she is Mehvish, she is not Aiza, who is doing many serials, who has done so many serials, is difficult. But they, three of them, they have pulled it really well. Were you considering other actors? Ya aapne jab Mehvish ka socha, to you always had Aiza in your mind, and for Shehwar you had Adnan. I think Aiza, hamare paas jo three choices thi, unme Aiza was always there. Jab bhi humne is serial ke bare mein socha. लेकिन ये एक ऐसा रोल था जिसको हमने तीन चार और एक्टर्स को पिच किया, एक्ट्रेसेस को पिच किया, एंड दे वर स्केयर्ड ऑफ डूइंग इट. उनको लगा कि उनको ये रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको बहुत पब्लिक बैशिंग मिलने वाली है, क्योंकि रोल नेगेटिव साइड पे है और लोग बहुत रिएक्ट करेंगे. और यही हो रहा है इस वक्त आयजा के साथ. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आयजा जैसी एक्ट्रेस जिसने ये सोचा कि इसमें कुछ ऐसा है उसके लिए करने के लिए, ये एक बहुत डेयरिंग बात है. और बहुत सी ऐसी, मतलब उनमें से दो, एक मेरी दोस्त भी हैं जिनको मैंने ये ऑफर किया था एंड शी रिफ्यूज्ड. सर एनी चांस आप नाम बताएंगे हमें? नहीं वो फिर पता बाकी दोनों चॉइसेस के नाम नहीं वो पता एक और ही पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि आप मेरा नाम क्यों लिए. सो आई डोंट वांट टू गो देयर. सो आयजा ने इतना कन्विंसिंगली किया कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ दैट हाउ कुड शी डू इट सो वेल. द वे शी लुक्स एट इन द इनिशियल एपिसोड, द वे शी यूज टू लुक एट हुमायूं, एंड नाउ द वे शी इज लुकिंग एट हिम, स्पेशली इन द लास्ट सीन व्हेन शी सेज आई एम फेड अप ऑफ दिस रिलेशन, एंड यू कैन सी दिस ऑन हर फेस दैट यू नो शी इज, या व्हाटएवर शी इज सेइंग इज ट्रू. And the way she would look at Adnan Siddiqui or Shehwar, I think it's but she also has done a brilliant, brilliant job. Yeah, I think the best part is, jitna is pe zor dalne wo kam hai, the fact that she's dared to do that character. Yeah. When knowing ki itna zyada troll hongi. Iski ek apni wo troll usne hona tha, hame andaza tha ki is character ko bashing milegi, Aiza ko bhi andaza hai. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब लोगों में थोड़ी सी इतनी सेंसिबिलिटी आ जानी चाहिए कि वो एक्टर को और कैरेक्टर को अलग अलग देखना शुरू करें. जो एक्टर जो रोल प्ले कर रहा है वो आम जिंदगी में उससे बहुत मुख्तलिफ है. सर इसके कसूर और आपके एक्टर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस ही है ना, क्या वो तो है. लेकिन जब वो लोग उनको, जैसे हुमायूं का नाम दानिश है और दानिश आयजा के हस्बैंड का नाम है, और दानिश को जब लोग इनबॉक्स करते हैं बुरे बुरे मैसेजेस, तो मैं समझता हूँ कि यार आई थिंक वी एज अ नेशन, वी एज अ एज समवन दैट हु शुड बी लुकिंग, वी ऑल पब्लिक, दे ऑलवेज लुक अप टू एक्टर्स. इफ दे सी देम इन द पब्लिक दे वुड जस्ट रन आफ्टर देम फॉर अ सेल्फी. व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अबाउट देम, हमारे दिल इतने छोटे हैं और हमारे अंदर इतना एंगर है फॉर सम रीज़न कि हमें, हमारे मुंह में सिर्फ गाली आती है. सो मैं होप भी कर सकता हूं कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शायद ये एहसास हो कि ये चीज़ें एक्टर्स को बहुत हर्ट करती हैं जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए इतना कुछ करते हैं. टॉकिंग अबाउट शहवार, अदनान्स कैरेक्टर, उसके लिए तो हुमायूं आपके माइंड में थे, बट हुमायूं के अलावा आपने किसी को कंसिडर किया था? फिर choices थी आपके पास? और at some point I was not directing this. A very dear friend and a director, he was doing it. और उस वक्त हुमायूं was not in the cast. We had casted someone else. Aiza was done the casting. Yeah, we had casted someone else. Oh, in Danish's role or Shehwar? In Danish's role. So you won't reveal that also? I don't want to reveal that. वो एक बुरी बात हो जाती है उसके लिए, एक्टर के लिए. सो किसी और को कास्ट कर लिया था, लेकिन एट दैट पॉइंट आई वॉज वर्किंग ऑन अ फिल्म स्क्रिप्ट. और जब वो फिल्म स्क्रिप्ट में मुझे लगा कि
इसको चेंजेस की ज़रूरत है, इसको सेकंड ड्राफ्ट में जाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आई विल मिस माय टाइमलाइन जो कि दिसंबर जनवरी फरवरी की थी, नॉर्मली यही होती है। और मुझे लगा जब मैं ये मिस करूँगा तो मुझे 2-3 महीने और लग जाएंगे, सो एक विंडो निकल आई कुछ महीनों की, एंड वी वर सिटिंग हेयर एंड हुमायूं ने कहा कि कर लें ये, बिकॉज ये स्क्रिप्ट हमेशा से हुमायूं करना चाहता था, 4 साल से ये स्क्रिप्ट हमारे पास है, एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दानिश कैरेक्टर, इट वॉज रिटन फॉर हिम एक्चुअली, और खलील साहब वॉज वेरी अपसेट दैट ही इज नॉट डूइंग इट एंड समवन एल्स इज डूइंग इट।